सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स को, और स्टडी से रिलेटेड सबसे अच्छी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स। तो आज हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की जो टाइपिंग होती है उसे लेके। जी हाँ, टाइपिंग को लेके एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि अभी डाउट बना हुआ है, जो क्लियर नहीं हो पा रहा था, उसे लेके मैं यहाँ पे बात करने वाला था कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल में जब टाइपिंग होती है तो क्या उसमें बैक स्पेस काम करता है या नहीं। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि उसमें बैक स्पेस काम नहीं करता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि काम करता है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि बैक स्पेस वहाँ पे काम नहीं करता है, करता है एक तरीके से। आप जैसे घर पे यूज़ करते हैं कि बैक स्पेस कहीं से भी आप वापस हो जाते हैं, उस तरीके से वहाँ पे बैक स्पेस काम नहीं करता है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि वहाँ पे बैक स्पेस काम नहीं करता है। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर करके बताने वाला हूँ, आपके सामने मैं टाइपिंग करके बताऊँगा कि कैसे उसमें बैक स्पेस काम नहीं करता और किस तरीके से करता है। मतलब दोनों ही चीज़ें करता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में। वो कैसे करता है तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पूरी ये पेज दिया हुआ है, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये वाला। तो ऐसे हम टाइप करेंगे और नीचे टाइप के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मुझे टाइप करनी है, तो समझ लीजिए ऐसे ही आपको वहाँ पे मिलने वाला है। बस ये ऑन स्क्रीन मैं ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे आपको ऑन स्क्रीन नहीं मिलेगा। वहाँ पे एक आपको पेपर दे दिया जाएगा जिस पे कुछ कंटेंट लिखा होगा, वो कंटेंट आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। और कंटेंट की बात करूँ तो देखिए, उसमें कैपिटल लेटर भी यूज़ होंगे, स्मॉल भी लेटर यूज़ होंगे, और न्यूमेरिक भी यूज़ होंगे, यानी 1, 2, 3 ऐसे भी, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी उसमें यूज़ हो रहे होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ही तरह के आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें कैपिटल, स्मॉल, न्यूमेरिक, स्पेशल सब कुछ यूज़ होता है। तो ऐसे ही तरीके से वहाँ पे आता है, तो आपको एक पेपर मिलेगा और आपको ऑन स्क्रीन टाइपिंग, मतलब स्क्रीन पे टाइप करना होगा। ऑन स्क्रीन ऐसे जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरीके से वहाँ पे पूरा मैटर नहीं दिया गया होगा। वहाँ पे आपको एक पेज दे दिया जाएगा और एक पेज में से देख देख के आपको वहाँ पे टाइप करना होगा। तो अब देखिए, जैसे कि मैं बात कर रहा था बैक स्पेस की, बैक स्पेस कैसे काम करता है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है, हम टाइप करते हैं ए, मैंने स्पेस मार दिया, तो आप देख रहे हैं ए वहाँ से गायब हो गया, लेकिन वो कंप्लीट हो गया इसी तरीके से। अब जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूँ स्टोर, ठीक है, अब स्टोर स्पेस कंप्लीट हो गया, ऑफ एच ओ एन ई है, लेकिन मैंने गलती से ए लिख दिया। अब मैं इस ए को अभी मिटा सकता हूँ, लेकिन एन वाई जैसे ही मैं स्पेस दबा दूंगा, वो वर्ड गलत हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रेड रेड यहाँ पे शो करने लग गया है। इसका मतलब क्या है, वो वर्ड गलत हो गया। लेकिन अब मैं कितना भी बैक स्पेस करूँ, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं वहाँ पे वापस नहीं जा सकता। मतलब एक, जब आप लेटर लिख रहे हो, एक शब्द यानी वर्ड पूरा लिख रहे हो, अगर आपने उससे आगे स्पेस दबा दिया, तो उसके बाद आप बैक स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। जब तक आप उस वर्ड पर हैं, तब तक आप उसे एरेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एच ए एच ई डी, अब यहाँ पे एच ए डी लिखा हुआ है, आप क्लियर देख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एच ई डी लिख दिया है। यहाँ पे मैं बैक स्पेस यूज़ करना चाहता हूँ, तो बैक स्पेस यूज़ करूँगा और एच ए डी लिख दूंगा। उसके बाद जैसे ही मैं बैक स्पेस करूँगा, समझ लीजिए उस वर्ड से बिल्कुल हट जाएगा, उस वर्ड से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, यानी अब हम उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही देख लेते हैं बी डम वीन दे ओ है, तो यहाँ पे ए मैंने लिख दिया, और जैसे ही मैं स्पेस दबाऊँगा तो ये गलत हो गया। अब मैं इसे चेंज करना चाहूँ, तो आप कितना भी बैक स्पेस दबाइए तो आप बैक स्पेस वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। जैसे कि फाउंड लिखना है, तो फाउंड मैंने दबाया, बिल्कुल ठीक है। एन ए तो एच ओ की जगह डब्लू, अब यहाँ पे एच ओ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये एच ओ डबल एल ओ डब्लू दिया हुआ है, लेकिन मैंने गलती से यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे एच ए लिख दिया है। तो यहाँ पे ओ होना चाहिए था, लेकिन मैं एच लिख दिया, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, बैक स्पेस यूज़ करूँगा और एच ओ डबल एल ओ डब्लू इसे कर दूंगा, करेक्ट, ये हो गया। ऐसे ही जब मैं टी आर डबल ई लिख रहा हूँ, लेकिन टी आर ये मेरे से आई हो गया, एंटर दबाया, अब मैं इसमें बैक स्पेस यूज़ नहीं कर सकता। जो वर्ड लिख गया आप, उससे एक बार स्पेस की बटन आपने यूज़ कर ली, फिर उसके बाद आप उसे किसी भी कंडीशन में करेक्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आ रहा है, तो तीन वर्ड में से गलत हुआ है,
इसी तरीके से वहाँ पे आपको पेज मिलेगा, उस पेज में से आपको देख के करना पड़ेगा। जो मैंने आपको बताया था बैक स्पेस यूज़ नहीं होता है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे बैक स्पेस यूज़ नहीं होता है। अगर आप अपने दिमाग से निकाल के चलेंगे कि वहाँ पे बैक स्पेस यूज़ ही नहीं होता है तो काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये कौन सा टाइपिंग सॉफ्टवेयर है या जिस पर मैं कर रहा हूँ, ये ऑनलाइन एक टाइपिंग का वो है वेबसाइट जिस पर मैं कर रहा हूँ, अगर आप इस पर टाइपिंग टेस्ट देना चाहें तो मैं इसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि CASF भर्ती से जुड़ी कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले यहाँ पे आपको अपडेट करा दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा कि बैक स्पेस काम करता है या नहीं करता, कौन सी कंडीशन में काम करता है कौन सी कंडीशन में काम नहीं करता। जब आप किसी वर्ड को टाइप कर रहे होते हैं तभी आप उसे एरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, लेकिन आपने अगर एक बार स्पेस बटन यूज़ कर लिया उसके बाद आप उसे एरेज नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे जो आपके डाउट थे, ये वाला बहुत बड़ा डाउट था कि बहुत लोगों का क्लियर नहीं हो पा रहा था, अब ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसी वजह से मैंने इसे बिल्कुल ऑनलाइन दिखाया है ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें ताकि हर एक कैंडिडेट के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और उसे पता चल जाए कि इस तरीके से बैक स्पेस यूज़ होता है, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट देते टाइम उसे कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।